तमिलनाडूच्या तंजावूर येथील सेक्रेड हार्ट्स हायस्कूलच्या 17 वर्षीय विद्यार्थिनी लावण्याने आत्महत्या केली. ईसाई धर्माला स्वीकारण्यासाठी दबावात आल्यामुळे तिने ही आत्महत्या केली. लावण्याला न्याय देण्याच्या मागणीला घेऊन 14 फरवरी 2022 अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदचे कार्यकर्ते मुख्यमंत्री स्टॅलिनच्या घराबाहेर निदर्शने करत असता यावेळी तमिळनाडू पोलिसांनी कार्यकर्त्यांना ताब्यात घेतले. लावण्या आत्महत्या प्रकरणी सीबीआय तपासणी तसेच अटक केलेल्या अभाविप कार्यकर्त्यांना तात्काळ सोडवण्यात यावे अशी मागणी वर्ध्यातील अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेतील कार्यकर्त्यांनी केली आहे. जैसा कि हम सबको पता है टीवी चैनल और सोशल मीडिया के माध्यम से हम घर बैठे सभी सूचनाओं को देख रहे हैं कि किस तरह से तमिलनाडु के अंदर जबरन धर्मांतरण का मुद्दा सामने आया है, जिसके अंदर तमिलनाडु के तंजावूर के अंदर एक कैथोलिक स्कूल में 17 वर्षीय लड़की को किस तरह से स्कूल के अंदर जबरन धर्म परिवर्तन करने के लिए उसको बोला जाता है, और जिस समय वो लड़की धर्म परिवर्तन करने से मना करती है, उनके माँ बाप ये सब करने से मना करते हैं, तो किस तरह से उसको हॉस्टल के अंदर शोषित किया जाता है, और शोषित करने के बावजूद जब वो लड़की कुछ कीटनाशक दवाई खाने के बाद अपने आप को ख़त्म कर लेती है, उससे पहले एक वीडियो आता है जिसके माध्यम से पूरी घटना को उन्होंने बताया है कि उसके साथ स्कूल के अंदर हॉस्टल के अंदर वहाँ रहने वाली नंस किस तरह का व्यवहार करती थी और किस तरह से उनके साथ किया जाता था. एक 17 वर्षीय वो बच्ची जो कि आगे पता नहीं किस उद्देश्य के साथ एक अच्छा शिक्षण प्राप्त करने उस शिक्षा के मंदिर के अंदर गई थी, परंतु इन कैथोलिक स्कूल के अंदर किस तरह की घटनाओं को धर्मांतरण के जरिए अंजाम दिया जा रहा है. और जिस समय अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की राष्ट्रीय महामंत्री डीएमके सरकार के विरोध में वहां अन्य कार्यकर्ताओं के साथ प्रदर्शन करने के लिए जाती है, तो उस समय पर स्टालिन सरकार किस तरह का व्यवहार उन छात्रों के साथ करते हैं जो कि बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से वहां पर अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे थे. तो हमारी सरकार से भी मांग है, स्टालिन सरकार को भी हम चेतावनी देना चाहते हैं कि अगर उस लावण्या को न्याय नहीं मिलता है, वहां पर सीबीआई जांच नहीं करवाई जाती है, और लावण्या को जल्द से जल्द न्याय नहीं दिया जाता है, उसके अपराधियों को मौत की सजा नहीं दी जाती है, तब तक विद्यार्थी परिषद पूरे देश के अंदर अनवरत उन अपराधियों को सजा न मिलने तक विद्यार्थी परिषद इसी तरह अपने इस आंदोलन को जारी रखेगी, और इसी तरह उसके सम्मान में, लावण्या के सम्मान में विद्यार्थी परिषद हमेशा मैदान में इसी तरह उतरी रहेगी. धन्यवाद.